तुंगना से चढ़ाई करके हम जा रहे हैं चंद्रशिला की तरफ। अभी आधा रास्ता कवर कर लिया है, ये चढ़ाई है देखो सीधी। हेलो दोस्तों, हम मैं दिल्ली में और आज ये ब्लॉगिंग फर्स्ट ब्लॉगिंग हो रही है स्टार्ट। मैं अपने दोस्तों के साथ तुंगनाथ टेंपल जा रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है ये संजीव, अभी दो से और मिलाता हूँ आपको मैं। ये हमारे संजय झा जी हैं, वो संजीव मेरा दोस्त है जो उसके ब्रदर है। तो दोस्तों आज ये ट्रिप स्टार्ट हो रही है तुंगनाथ के लिए और दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी रात के 12 बजने का टाइम है, 12 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। हम यहाँ से निकलेंगे ऋषिकेश और ऋषिकेश के बाद फिर आगे का सफ़र चौकता फिर तुंगनाथ। हमारे साथ बनते रहो, एक एक पल की वीडियो देते रहेंगे, जो भी इमेजिंग सीन आएगा वो आपको दिखाएंगे। होप तो एंजॉय करोगे। तो ये जो हमारा ट्रैक है काफ़ी मुश्किल वक्त हमने डिसाइड किया है, काफ़ी हर्डल्स आए, कभी हाँ कभी ना, जाना है नहीं जाना है, तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं। तो आप हमें फॉलो करते रहिए और इस ब्लॉग का नाम है अभी डिसाइडेड नहीं है ब्लॉग का नाम। अच्छा, ब्लॉग स्टार्ट तो किया है लेकिन अभी हमने अपना डिनर स्टार्ट किया है, वो हमने किया है ये वीर जी ढाबा है। अभी थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है क्योंकि रिफ्लेक्शन वो आ रहा है मिरर वाला। कभी आओ ट्राई करो, बहुत ही बढ़िया खाना है यहाँ का। यहाँ का डिनर करके अब हम यहाँ से सीधा प्रस्थान कर रहे हैं ऋषिकेश और फिर उसके बाद चौकता। स्टे ट्यून, स्टे विद अस, थैंक यू। ठंड तो लगी रही है पर इतनी नहीं है फिलहाल, बट हाँ जैकेट है अपने पास, अभी निकाली नहीं है। हरिद्वार पहुँचने के बाद हम अपने ठंडी कपड़े निकालेंगे और जब चौथा की तरफ चलेंगे जब आपको एक्चुअल बताएंगे कि क्या ठंड है और क्या है। फिलहाल तक तो लग रहा है कि हाँ हालत ज़्यादा ख़राब होने वाली है, बिकॉज ठंड यहाँ से महसूस हो रही है और मेरे गले में भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि हाँ ठंड कितनी है। तो अनुमान कर रहे हैं, जल्दी अपडेट देंगे, बने रहना मेरे साथ। ये मेरे दोस्त हैं, मेरा इनको भी ठंड लग गई है। देखो से हाई टू कैमरा। हेलो दोस्तों, संजीव का स्टार्ट हो गया है तो हम उसी चीज़ के लिए यहाँ पर आए हैं। आप देख पा रहे होंगे भाई ने टी शर्ट डाल रखी है यहाँ पर, और शहर गर्म शहर की धूल मिट्टी से दूर, और जैकेट भी है, थोड़ा फ्रेश एयर लेने आए हैं यहाँ पर, यही हमारा मोटिव था। फ्रेश एयर, फ्रेश माइंड, कुदरत का नज़ारा, यही सब तो है बात और है का। आपको दिखाएंगे अपनी नज़रों से, बने। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हेलो, पता चल रहा है हमारी आवाज़ से कि ठंड कितनी हो चुकी है। फिलहाल हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं और टाइम हुआ है सुबह के चार बजे। जैसे कि आपको हमने कहा था हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा हरिद्वार और फाइनली हम लोग हरिद्वार लास्ट पहुंच गए। हमारा जो स्टॉप था वो था मेरठ के पास, एक घंटे का ड्राइव करके पहुँचे हैं हम हरिद्वार। और यहाँ पे ठंड वाकई तेज हो रही है धीरे धीरे, आपको नज़ारा दिखाता हूँ मैं अभी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं रुकने का प्लान अभी हमारा है नहीं, तो अभी हम सिर्फ थोड़ा सा स्टॉप लेंगे यहाँ पे, 10-15 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ से मूव ऑन हो रहे हैं हम ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश के बाद फिर आगे आपको पता ही है, पूरा दिन पहाड़ पे चल रहे हैं। आपको गंगा जी के दर्शन कराता हूँ मैं। आओ संजीव जी, ज़रा बताओ, संजीव बताएगा आपको
कैसा महसूस हो रहा है? हेलो फ्रेंड्स, यार क्या है यार, ठंड बहुत बढ़ चुकी है, थोड़ा एंजॉय करो लाइफ को। और ये दोस्ती मुझे बीमार करने के ऊपर तुला हुए हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट हॉल्ट होगा ऋषिकेश, इसके बाद हम नॉन स्टॉप चलेंगे। अच्छा, वहाँ की ठंड बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मजाक नहीं, ठंड हो रही है। अगर ये ठंड दिल्ली में पड़ रही होती ना, तो हम सब के सब स्वेटर में, सोल में, इस चीज़ में पड़े होते। अब हम टी शर्ट में हैं, आप लोगों को लग रहा होगा ठंड नहीं है, एक्चुअल में ठंड है, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट स्टॉप पर आपको अपनी टी शर्ट में नहीं पाऊँगा, मैं जैकेट और सब कुछ पैक पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो ठीक है, हमारे साथ रुको, अभी जा रहे हैं, 1 घंटा 40 मिनट और लगेंगे, इसी के पहुँचते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो शूट करते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। गाड़ा चला दे वही वाला, ए भोले, ए भोले, ए भोले, अरे हाय, वो शंभू पधारो, भगवान जादी हो, नमो नमो है नमो। पहुंच चुके हैं हम लक्ष्मण झूला, और टाइम हुआ है सुबह के 4:15। जैसे कि आपको लास्ट बताया था कि हरिद्वार थे हम 3:30 के आसपास, और हम 45 मिनट के अंदर यहां पर पहुंच गए हैं, और मौसम ठीक है, देख लिया आपने, जैकेट पहन लिया हमने, पीछे यार दोस्त मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे आधे घंटे का स्टे लेंगे, उसके बाद फिर हम मूव ऑन होंगे आगे देवप्रयाग के लिए, देवप्रयाग पे स्टे होगा, और उसके बाद फिर आगे जाएंगे हम चौकता। आज का जर्नी बस यही है। तो ये तपोवन है, यहाँ बस चाय नाश्ता करके निकलेंगे, अभी 5:30 बज रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम सोच रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम पहुँच जाते हैं चौकता, ताकि वहाँ पे रेस्ट कर ले इकट्ठा। अगर हम यहाँ पे आज होटल लेके रुके तो पूरा दिन ख़राब हो जाएगा, और रात को पहुँचेंगे वहाँ भी थक जाएंगे, सो जाएंगे, तो बेटर ये होगा थोड़ा सा रेस्ट लेकर के यहाँ से सीधा निकलते हैं चौपता। अगर वहाँ तक हम 3-4 बजे तक ही चौपता पहुँच गए तो वेरी गुड है। ठीक है सर, तो यहाँ पे हमने चाय और मट्टी खाई है भाई, इस स्टॉल पे है रावत भोजनालय। लास्ट टाइम भी हमने यहीं पर रुका था, अब भैया ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया है, यहाँ से निकल रहे हैं सीधा 1 से 2 बजे तक पहुँचे। यार ब्लॉगिंग में तो हंसी बंद कर रहा है यार, यार तू अच्छा। दोस्तों अभी हमें तपोवन के अंदर, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं देवप्रयाग के लिए, थोड़ा सा स्टे करेंगे, फिर उसके बाद हम पहुँचेंगे चौपता। चौपता का हमारा जो लगभग टाइमिंग है पहुँचने की, वो है 6 से 6:30 घंटे, तो अप्रॉक्स हम सोच रहे हैं 2-3 बजे तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद देखते हैं जैसे प्लान होगा बताएंगे आपको। ठीक है,
रास्ते का ना बहुत अच्छा व्यू आया है, आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे आकर के थोड़ी सी ब्लॉगिंग करने का मन कर रहा था, तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया है और कुछ फोटोज लिए हैं। अब मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। कैसा रहा? बढ़िया यार, ठंडा पानी। इतनी ठंड के अंदर आप कैसे नहा लिए? कुछ नहीं करना है, क्या था, थोड़ा पानी डाला ऊपर, फिर सब ठंडा हो गया। मजा आ गया, मतलब है मजा आ गया। और भाई क्या विचार है, नहाओगे? होटल लेके नहाएंगे हम, ठंडे पानी से बस की नहीं अपने नहाना भाई। भाई सेम है यार, अगर नहाएंगे बॉडी मांगेंगे रिलैक्स, गाड़ी नहीं चलाएगा भाई, सो जाएगा, इसलिए होटल में नहाएंगे। दोनों भाई साथ नहाएंगे, ये भाई का तो फास्ट था इसलिए नहा लिया दोनों भाई का बनाए। और भाई बात है भाई, बंदा ठंड बना लिया, देख लो। अब एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं वहाँ पे, सॉरी तो आदमी बोलते चौपता टॉप पे पहुँच गए, रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे हैं। बहुत तेज भूल होगी, सुबह का कुछ नहीं खाया है। भाई लोग शक्ल देख लो कैसे हो रखी है। ये मेरे भाई का बर्थ है, ये तो कह रहा है खा लो यार, कब खाओगे बता दो। अब देख खाना खाते दोस्तों, फिर बात करते हैं।